बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको हाथों के काले जोड़ और बॉडी के डार्क एरियाज को लाइटन करने के लिए एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ। बहुत ही सस्ती है, बहुत ही आसान है, लगाना और बनाना बहुत ही आसान है। आपको 10 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। बॉडी के डार्क एरियाज बहुत ज्यादा काले बुरे लगते हैं क्योंकि हम अपने चेहरे पर और हाथों पैरों पर तो क्रीम लगा के उनको गोरा कर लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के डार्क एरियाज जो जितने डार्क होते हैं वो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। तो उनको लाइटन करने के लिए जो होम रेमेडी आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग अक्सर मुझसे कहते हैं जो आप खुद इस्तेमाल करती हूँ वो हमारे साथ शेयर करें, और जब मैं शेयर करती हूँ पूरे खलूस के साथ देन आप लोग उस वीडियो को देखते नहीं है। तो बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, बहुत ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए होम रेमेडी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले नंबर पर आप 1 चम्मच लेंगे ग्लिसरीन का। आप बादाम का तेल या फिर जैतून के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर तीनों चीजें आपके पास नहीं है तो आप नारियल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच मिलाएंगे बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है उसी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच मिलाएंगे चीनी का। आपको पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है, ज्यादा मोटी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, इससे आपकी स्किन के ऊपर रैश हो सकते हैं और स्किन जल सकती है, रेड हो सकती है। उसके बाद हम इसमें 1/2 लीमू का रस एड करेंगे और तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि बेकिंग सोडे के अंदर हमने लेमन का इस्तेमाल किया है। और तमाम चीजों को आपने थोड़ा सा मिक्स करना है, ज्यादा मिक्स करेंगे तो चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो लेमन का खाली खोल है इसको आपने उलट लेना है। उलट लेने के बाद आपने इसके ऊपर ये पेस्ट लगाना है और आपने अपनी गर्दन की, अपनी बॉडी के डार्क एरियाज की स्क्रबिंग करना स्टार्ट कर देनी है। जैसे ये वीडियो खत्म होगी आप वीडियो के स्टार्ट में स्क्रबिंग करना स्टार्ट कर दीजिए और वीडियो के खत्म होने पर आप रिजल्ट देख लीजिएगा कितना जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलता है। मेरे नकल्स ऑलरेडी फेयर हैं, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके नकल्स भी इसी तरीके से फेयर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप हल्के हाथ से मसाज करिएगा। चीनी ज्यादा मोटी आपने नहीं रखनी। आप इसे अपनी कोहनियों पर, अपने घुटने पर, अपनी फुल बॉडी पर नहाने से पहले भी इसका मसाज कर सकते हैं। आप अपने चेहरे पर हफ्ते में एक बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने पूरे हाथों पर और पूरे पैरों पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यह मेथड थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप इस तरीके से भी अपने दोनों हाथों की इससे स्क्रबिंग कर सकते हैं। इससे आपके पोर्स ओपन होंगे, पोर्स नीट होंगे, मैलकुचैल निकलेगी, डर्ट मट्टी निकलेगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज्यादा सिल्की हो जाएगी और स्पॉटलेस हो जाएगी। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने स्क्रबिंग करते जाना है जब तक ये चीनी के दाने मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए या कम होना स्टार्ट हो जाए, तब आपने अपने हाथों को या अपने उस डार्क एरिया को जिसके ऊपर आपने स्क्रबिंग की है उसको वॉश कर देना है। मैंने मेरे हाथों को वॉश कर लिया और काफी जूम रिजल्ट दिखा रही हूँ। इतना जूम रिजल्ट कोई भी नहीं दिखाता। देखें मेरे नकल्स, मेरे हाथों के काले जोड़ कितने ज्यादा नीट लग रहे हैं, कितने ज्यादा फेयर लग रहे हैं, बिल्कुल हाथों की तरह ही चमक रहे हैं। मेरे हाथों की सफाई हो चुकी है, दोनों हाथों पे मैंने किया, बहुत ज्यादा नीट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही है स्किन। आप इसको जरूर इस्तेमाल करिएगा, मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको एक ट्राई जरूर देंगे और आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आपको जरूर अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि गुस्सा भड़कती आग है, जो पी गया उसने आग बुझाई और जो जब्त ना कर सका वो पहले खुद इसमें जल गया। इस लेसन पर डीपली गौर करिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।